सानिया ईरानी और शिवम भार्गव दो नए चेहरे लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों विक्रम भट्ट अपनी अगली फिल्म में जिसका नाम है घोस्ट। आइए ट्रेलर की बात करते हैं कि ट्रेलर में क्या क्या चीजें हैं खास, क्या ये ट्रेलर इम्प्रेस कर पाया या नहीं। देखिए अगर बात करें तो विक्रम भट्ट साहब जो है वो हॉरर जॉनरा के मास्टर हैं। अगर राज आपने देखी होगी, अगर आपने हॉन्टेड 3D देखी होगी, अगर आपने दोस्तों 1920 देखी होगी, तो इन सारी फिल्मों में विक्रम भट्ट साहब की एक अलग ही पहल है, एक अलग तरीके से वो घोस्ट को दिखाते हैं हमारे सामने। घोस्ट के अंदर इस ट्रेलर में दोस्तों जंप स्केयर्स तो बहुत हैं। इनिशियली मुझे भी डर लगा कुछ कुछ सीन्स में जो कि जंप स्केयर था, जो कि तुरंत आ गए थे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हॉरर स्टोरी में इस तरीके से लव मेकिंग सीन्स दिखाना जबरदस्ती के और इस तरीके से गाने डालना, क्या ये जरूरी है? क्या हम एक क्लीन कॉन्ज्यूरिंग की तरह या द नन की तरह हॉरर फिल्म्स नहीं बना सकते, या फॉर मैटर ऑफ दैट इंसीडियस की तरह नॉर्मल हॉरर फिल्म्स नहीं बना सकते? क्यों हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में गाने जरूरी हैं हॉरर फिल्म में? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वहीं बात करें सानिया ईरानी की तो शी इज लुकिंग जस्ट फैब। सानिया के एक्सप्रेशंस ले लीजिए, सानिया की स्क्रीन प्रेजेंस ले लीजिए, सानिया जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी दे रही है वो बहुत ज्यादा नेचुरल लग रहा है, और उनके हॉरर सीन्स देखकर हमें भी एक तरीके की चिल महसूस हो रही है। वहीं शिवम के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा पोकर लग रहे हैं दोस्तों, और शिवम एक ही टोन में दिख रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा जब 18 अक्टूबर को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी, उस वक्त क्या ये फिल्म डराने में इंप्रेस कर पाएगी या नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं जो फिल्म में जो हमको बैक टू बैक देखने को मिलती हैं, जो कि हॉररफुल है, जो कि हॉरर से भरी हुई हैं। चाहे वो आत्मा का प्रेजेंट होना हो, हवा में चलते हुए आत्मा का आना हो, या फिर वो एक खून भरा हाथ हो जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। लेट्स सी, देखना दिलचस्प होगा जब फिल्म का आगाज होगा 18 अक्टूबर को। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, और आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर बताऊँगा। आपको क्या लगता है ट्रेलर देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से ट्रेलर जो है दोस्तों वो ठीक ठाक है, कुछ कुछ जंप स्केयर सीन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहीं ओवरऑल देखा जाए तो ओके लगा। आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।